Hello students, my name is Ipshita Bhatnaik. I am a PhD scholar in the Department of Soil Science and Agriculture Chemistry. Today is your first class in Soil Science and I am going to teach you in this topic, what is soil, evolution of earth, soil genesis and soil forming rocks and minerals. तो सबसे पहले क्या देखेंगे, what is soil या फिर soil क्या होता है. तो ये देखिए soil का definition किसने दिया था, Soil Science Society of America. ठीक, तो सॉइल क्या है, अनकॉन्सोलिडेटेड मिनरल मैटर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सर्फेस में रहता है सॉइल, दैट इज बीन सब्जेक्टेड टू और दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ पेरेंट मटेरियल. पेरेंट मटेरियल मतलब जहाँ से सॉइल बनता है, ठीक है, क्लाइमेट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड टोपोग्राफी, इन सब का प्रभाव पड़ के जो बनता है दैट इज सॉइल. तो फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है, डॉकुचेव. डॉकुचेव ने क्या बोला था सॉइल के बारे में, सॉइल इज अ नेचुरल बॉडी कंपोज्ड ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसमें खनिज पदार्थ भी होते हैं और जैविक पदार्थ भी होते हैं, हैविंग अ डेफिनेट जेनेसिस एंड डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ इट्स ओन. ठीक है, तो इसको किसने बोला था, डॉकुचेव ने. डॉकुचेव कौन है, फादर ऑफ सॉइल. तो अभी देखते हैं सॉइल का कॉम्पोजिशन, मतलब सॉइल किस किस चीज को लेके बना है. ठीक है, तो सॉइल में दो भाग होते हैं, क्या है, सॉलिड पार्ट और एक पोर स्पेस. पोर स्पेस में कौन कौन रहता है, एयर और वाटर, ठीक है, जल और हवा. तो और सॉलिड पार्ट में कौन कौन रहता है, आपका मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर. मिनरल मैटर कितना परसेंट रहता है, 45%. ऑर्गेनिक मैटर कितना परसेंट रहता है, 5%. एयर रहता है 25% और वाटर आपका 25%. ठीक है, इसके बाद चलते हैं सॉइल साइंस. तो सॉइल साइंस क्या होगा, द साइंस दैट डील्स विद ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. तो सॉइल साइंस के कुछ कुछ डिसिप्लिन्स हैं, क्या क्या है, एक पेडोलॉजी, एक है सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल फिजिक्स, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी एंड सॉइल कंजर्वेशन. तो पेडोलॉजी क्या है, इट इज द डिविजन ऑफ सॉइल साइंस दैट डील्स विद जेनेसिस, सर्वे, क्लासिफिकेशन एंड ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल. दिस स्टडी और दिस इज स्टडी ऑफ अ नेचुरल बॉडी एंड दिस डज नॉट फोकस प्राइमरली ऑन द सॉइल्स इमीडिएट प्रॉपर्टी. ठीक है, इस ये सॉइल के प्रॉपर्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है. ये किस चीज़ का स्टडी है, उसके सर्वे का, क्लासिफिकेशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का. एडाफोलॉजी क्या है, एडाफोलॉजी इज कंसर्न विद द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉइल ऑन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स के ऊपर सॉइल का क्या क्या इफेक्ट है, वो उसका स्टडी क्या है, एडाफोलॉजी. आपके हायर प्लांट्स के ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर सॉइल का क्या इफेक्ट है, उसके स्टडी को क्या बोला जाता है, एडाफोलॉजी बोला जाता है. अब क्या देखेंगे, सॉइल का फॉर्मेशन, मतलब सॉइल की उत्पत्ति कैसे हुई. ठीक है, इधर आप क्या देख रहे हो, अर्थ है, मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर आपका क्या होता है, रॉक्स होता है. ठीक है, फिर रॉक्स आपके टूट के मतलब ये क्या है, वेदरिंग. वेदरिंग होके, वेदरिंग मतलब टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फिर वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और डिपोजिशन होता है. ट्रांसपोर्टेशन मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होके वह एक एक जगह से दूसरी जगह जाता है और वहाँ पर जाके जमा हो जाता है. तो वहाँ पर जमा होके आपका क्या बनता है, सॉइल बनता है. ठीक, तो पहले सॉइल के ऊपर जाने से पहले हम थोड़ा सा जान लेंगे किसके बारे में, पृथ्वी के बारे में. तो पृथ्वी जब पहले पैदा हुआ, मतलब जब बना था, तो वो एक आग का गोला था. तो पृथ्वी में क्या है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है. ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से उसके ऊपर जितने हेवी मटेरियल्स थे या फिर जो भारी पदार्थ थे वो धीरे धीरे अंदर आने गए. ठीक है, अंदर को खींचे गए और यहाँ पर क्या बन गया, आपका सबसे अंदर वाला पार्ट को क्या बोला जाता है, कोर बोला जाता है. ठीक है, तो कोर में आपके जितने भारी पदार्थ आके जमा हो गए उसको कोर बोलेंगे. उसके ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, मेंटल बोलेंगे. ठीक है, सबसे नीचे क्या है, सबसे अंदर वाले में कोर होता है, उसके ऊपर वाले को मेंटल बोलेंगे और उसके ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे. इधर देखो, ये है कोर, ये है मेंटल और ये है क्रस्ट. ठीक, पहले क्या है, सबसे नीचे वाले पार्ट में कोर है और सारे भारी पदार्थ उसी में है, तो इसका डेंसिटी बहुत
ज़्यादा होता है. कितना होता है? 9 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. डेंसिटी इज योर मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास का यूनिट है ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम. ठीक है, तो इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है. वो है आपका कोर, और कोर में आपका क्या रहता है? कंपोज्ड ऑफ मेटल्स सच एज आयरन एंड निकेल. आयरन और निकेल ज़्यादा रहता है कोर में. तो कोर का ऊपर वाला पार्ट कौन है? मेंटल है. तो मेंटल में आपका क्या रहता है? दिस इज अ थिक लेयर ऑफ सॉलिड रॉक बिलो द क्रस्ट. इसका थिकनेस कितना होता है? 2900 किलोमीटर्स. और कोर का थिकनेस कितना होता है? 3500 किलोमीटर्स. तो जितना हम ऊपर ऊपर जाएंगे उसका डेंसिटी कम होता होता जाएगा. ठीक है, तो मेंटल का डेंसिटी कितना रह गया है? 3 से 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और उसके ऊपर वाला पार्ट कौन है? जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो है क्रस्ट. ठीक है, तो क्रस्ट का डेंसिटी कितना है? 2.6 से 3. तो क्रस्ट का डेंसिटी सबसे कम है, दैट इज 2.6 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इसके हिसाब से उसका थिकनेस भी कम होगा. तो अर्थ के सरफेस के ऊपर चार स्फीयर होते हैं. क्या क्या है? एटमोस्फियर है, हाइड्रोस्फियर है, लिथोस्फियर है और बायोस्फियर है. तो एटमोस्फियर किसको बोलते हैं? द एनवलप ऑफ एयर दैट कवर्स द लिथोस्फियर, बायोस्फियर एंड हाइड्रोस्फियर इज कॉल्ड एटमोस्फियर. जो हवा का लेयर पूरे पृथ्वी को घेर के रखा है उसको हम क्या बोलेंगे? एटमोस्फियर बोलेंगे. तो एटमोस्फियर का कॉम्पोजिशन क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड. सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन. कितना परसेंट है? 78.08%. फिर ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड. फिर क्या है? हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर फिर क्या होगा? हाइड्रो मतलब पानी. तो स्फीयर ऑफ वाटर सराउंडिंग द अर्थ, पानी का जो स्फीयर, पानी का जो लेयर आपके पृथ्वी को सराउंड करके रखा है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे. ठीक है, तो ये कितना? दिस कवर्स ऑलमोस्ट 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस. फिर है लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर मतलब जो सॉलिड वाला पोर्शन है, सॉलिड वाला सरफेस है, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं. दिस कंटेन्स कंटिनेंट्स, ओशन बेसिन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, वैलीज, इन सबको मिला के आपका जो सॉलिड वाला पोर्शन है पृथ्वी का उसको हम लिथोस्फीयर बोलेंगे. फिर क्या है? बायोस्फीयर. बायोस्फीयर मतलब जितने आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आपका प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सब आपको, इन सबको मिला के क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है. तो ये क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट में आपके क्या क्या एलिमेंट्स पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा कौन है? ऑक्सीजन. और उसके बाद कौन है? सिलिकॉन. ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? 46.6% और सिलिकॉन 27.72%. ठीक है, इन दोनों नॉन मेटल्स हैं और बाकी आपके मेटल्स हैं. अब क्या देखेंगे? रॉक्स और प्रोसेसेस विच ऑपरेट ऑन द सरफेस ऑफ सरफेस एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ठीक है, जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस आपकी पृथ्वी के सतह पर होती हैं उनका आउटकम क्या है? सॉइल, आपका रॉक्स. ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट का जो कॉम्पोजिशन है, आपके तीन प्रकार के रॉक्स होते हैं. क्या क्या होते हैं? एक है इग्नियस रॉक, एक है सेडिमेंटरी रॉक और एक है मेटामॉर्फिक रॉक. तो अर्थ क्रस्ट में इग्नियस रॉक आपका कितना परसेंट होता है? 95% और सेडिमेंटरी रॉक कितना होता है? 5%. और ये क्या है? अपर 5 किलोमीटर ऑफ द अर्थ क्रस्ट. ऊपर से 5 किलोमीटर तक आपका क्या होता है? इग्नियस रॉक होता है 18% और सेडिमेंटरी रॉक कितना होता है? 74%. ठीक है, और दूसरे सब मिला के 8% तक होते हैं. तो आपके जो रॉक्स हैं वो कैसे कैसे बने हैं? पहले क्या है? कूलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ मैग्मा. कूलिंग एंड कंसोलिडेशन मतलब क्या है? मैग्मा क्या होता है? आपका जो वोल्कानो होता है, ठीक है, उधर से जो लिक्विड निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा बोलते हैं. तो वो मैग्मा ठंडा होता है और फिर जमा हो जाता है, तो उससे क्या बनता है? इग्नियस रॉक बनता है. फिर क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड सीमेंटेशन ऑफ फ्रेगमेंटरी मटेरियल. ट्रांसपोर्ट होगा, मैं जब पहले क्या बोली थी, आपका रॉक्स टूट के छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है या फिर दूसरे जगह में जाता है. वो ट्रांसपोर्ट होगा, फिर दूसरे जगह पे जाके जमा होगा उस और सीमेंटेड होगा, तो वहाँ से आपका क्या बनेगा? सेडिमेंटरी रॉक. ठीक है, और एक तो रॉक कौन है? मेटामॉर्फिक रॉक. तो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे मतलब होता है? अल्टरेशन ऑफ
प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, ठीक है, जो आपके इग्नेस रॉक हुए और सेडिमेंटरी रॉक हुए उनमें कुछ कुछ चेंजेस आता है ड्यू टू किस किस वजह से, टेम्परेचर के वजह से, प्रेशर के वजह से, इन दोनों में कुछ कुछ चेंजेस आके आपका क्या बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, इधर देखो, ये आपका टोटल रॉक का साइकिल है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये क्या है, इग्नियस रॉक है। तो जब ये वेदर होगा, मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगा, फिर ट्रांसपोर्ट होगा, दूसरी जगह जाएगा, फिर डिपॉजिट होगा, तो क्या बनेगा, सेडिमेंटरी रॉक बनेगा। फिर सेडिमेंटरी रॉक हीट और प्रेशर से चेंज होके क्या बनेगा, मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। फिर मेटामॉर्फिक रॉक फिर मेल्ट होके इग्नियस रॉक बनेगा। इग्नियस रॉक भी यहाँ पर हीट और प्रेशर से चेंज होके क्या बन रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में हीट और प्रेशर का इफेक्ट की वजह से क्या बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। ये आपका ड्यू टू कूलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ मैग्मा, और ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट होके कौन बन रहा है, सेडिमेंटरी रॉक बन रहा है। तो पहले क्या देखेंगे, इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक में हम क्या क्या जाने थे, वोल्केनिक इरप्शन होता है, मैग्मा निकलता है, वो मैग्मा जाके ठंडा हो जाता है और जमा हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, इग्नियस रॉक बन जाएगा। इग्नियस रॉक कितना होता है, 95% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो इग्नियस रॉक को हम दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, क्या क्या है, ड्यू टू मोड ऑफ ओरिजिन और ड्यू टू केमिकल कंपोजिशन। ओरिजिन के हिसाब से कितने प्रकार, एक्सट्रूसिव या फिर वोल्केनिक रॉक्स, इंट्रूसिव या फिर प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक है, और ये केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, इन तीनों पार्ट में हम डिवाइड करते हैं इग्नियस रॉक को। ठीक है, तो पहले कौन से देखेंगे, मोड ऑफ ओरिजिन। तो ये देख सकते हैं आप, ओरिजिन के हिसाब से जो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव में डिवाइड किया गया है। एक्सट्रूसिव मतलब क्या है, मैग्मा आपका ऊपर आएगा, ऊपर आके बाहर में वो ठंडा होके जब जमा हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव रॉक। अब वो बाहर आके ठंडा हो रहा है तो वो जल्दी जल्दी ठंडा हो जाएगा, जल्दी जल्दी ठंडा हो जाएगा तो उसके ग्रेन का साइज बहुत फाइन रहता है। ठीक है, तो इन लोग सब फाइन ग्रेन के होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्केनिक रॉक्स या फिर एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो वोल्केनिक रॉक्स के आपके एग्जाम्पल क्या होंगे, रायोलाइट, ट्रचाइट, बसाल्ट, डकाइट, एंडेसाइट, फोनोलाइट, ये सब आपके एक्सट्रूसिव रॉक्स हैं। इधर क्या देख रहे हैं, ये आपका इंट्रूसिव है। अब इंट्रूसिव में क्या होता है, एक्सट्रूसिव में क्या हुआ था, मैग्मा पहले बाहर आया, फिर बाहर में ठंडा हुआ तो वो जल्दी ठंडा हो गया, फाइन ग्रेन हो गया, वो हो गया एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव में क्या होता है, आपका मैग्मा अर्थ सरफेस के अंदर में ही रह जाता है, अंदर वो धीरे धीरे ठंडा होता है, स्लो प्रोसेस में ठंडा होता है, तो आपके ग्रेन्स बड़े बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े कोट ग्रेन्स, इनका ग्रेन्स का साइज बड़ा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव या फिर प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक है, तो प्लूटोनिक रॉक्स के एग्जाम्पल कौन है, ग्रेनाइट, साइनाइट, गैब्रो, टोनालाइट, डायोराइट और साइनाइट। ठीक है, अब क्या देखेंगे, इग्नियस रॉक्स का क्लासिफिकेशन इन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। तो केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से कितने टाइप के थे, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो एसिडिक मतलब सिलिका परसेंटेज मोर देन 60%। तो सिलिका किस किस का मोर देन 60% होता है, ग्रेनाइट का होता है, टोनालाइट का होता है, रायोलाइट का और डकाइट का। फिर है आपके बेसिक रॉक्स, बेसिक रॉक्स मतलब सिलिका कंटेंट कम होगा, सिलिका कंटेंट बढ़ता जाएगा मतलब एसिडिटी हो जाएगा, और सिलिका कंटेंट घटता जाएगा मतलब वो बेसिक रॉक्स होता है। तो बेसिक रॉक्स का सिलिका कंटेंट कितना, लेस देन 50%। ठीक है, तो उसके एग्जांपल कौन है, बसाल्ट, गैब्रो, फोनालाइट और फोडलसेनाइट। फिर आपके न्यूट्रल रॉक्स, न्यूट्रल रॉक्स मतलब सिलिका कंटेंट उन दोनों के बीच में रहेगा, मतलब 50-60% तक के रहता है। तो आपके बेसिक रॉक्स कौन है, एंडेसाइट, साइनाइट और ड्योराइट। फिर है आपके, ये देखिए ये जो टेबल है वो केमिकल कॉम्पोजिशन के ऊपर आधारित है। क्या है टेबल, वहाँ हम देखें इग्नियस रॉक्स है। ठीक, इग्नियस रॉक्स में ये है प्लूटोनिक और वो है वोल्केनिक। ठीक है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, ये क्या है, एसिडिक इधर से, आपका क्या हो रहा है, सिलिका कंटेंट इधर से इन इंक्रीजिंग ऑर्डर
और आयरन और मैग्नीशियम कंटेंट इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सिलिका कंटेंट ग्रेनाइट और रायोलाइट का सबसे ज़्यादा है, इन लोग एसिडिक रॉक्स है, तो इन लोग डियोराइट और एंडेसाइट आपके इंटरमीडिएट स्टेज में रहते हैं, तो वो आपके न्यूट्रल रॉक्स होते हैं। और आपके गैब्रो और बसाल्ट, ये आपके आपका बेसिक रॉक होता है, ठीक है। बसाल्ट आपका वोल्केनिक होता है, ग्रेनाइट प्लूटोनिक होता है, ठीक है। मतलब वोल्केनिक मतलब बाहर आके बनता है और वो अंदर में बनता है, ठीक। देखिए ये सब उनके पिक्चर्स हैं, वो ग्रेनाइट है, बसाल्ट है, गैब्रो, रायोलाइट, एंडेसाइट और डियोराइट। अच्छे से देख लो पिक्चर्स आपका। अब क्या देखेंगे, सम इम्पॉर्टेंट इग्नियस रॉक्स। इम्पॉर्टेंट इग्नियस रॉक्स कौन कौन है आपके, बसाल्ट है, बसाल्ट क्या था, वोल्केनिक था। ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट क्या था, प्लूटोनिक था। ग्रेनाइट आपका एसिडिक था, बसाल्ट आपका बेसिक था। और कौन है, प्यूमिस। प्यूमिस मतलब लाइट वेट रॉक विथ लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इन कंपैरिजन टू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी मतलब घनत्व, एक चीज का घनत्व आपके पानी के घनत्व से कितना ज्यादा है, वो है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। प्यूमिस का स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत कम होता है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता है, ठीक है। तो वो प्यूमिस, ग्रेनाइट तो आपको पता है, और बसाल्ट, ये आपके इंपॉर्टेंट इग्नियस रॉक्स हैं। अब कहाँ जाएंगे, सेडिमेंटरी रॉक्स। सेडिमेंटरी रॉक्स पहले कैसे बनते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है, सीमेंटेशन होता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वहाँ पर जमा होगा और वहाँ पर सीमेंटेड होगा, तो आपका क्या बनेगा, सेडिमेंटरी रॉक्स। तो सेडिमेंटरी रॉक्स, द वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक्स और अदर एग्जिस्टिंग रॉक्स सिंस दीज आर सेकेंडरी मटेरियल्स, ठीक है। द रॉक्स फॉर्म्ड आउट ऑफ देम आर कॉल्ड सेडिमेंटरी रॉक्स। तो वही है, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और कंपैक्शन। तो सेडिमेंटरी रॉक्स को हम तीन प्रकार में क्लासिफाई करते हैं, क्या क्या है, पहला है मैकेनिकली फॉर्म्ड, फिर क्या है इनऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, और ये क्या है ऑर्गेनिकली और बायोकेमिकली फॉर्म, ठीक है। तो मैकेनिकली फॉर्म्ड मतलब फ्रैगमेंट्स आपके जमा मतलब सीमेंट होते हैं, कंपैक्ट होते हैं, तो आपका क्या बनता है, सैंडस्टोन और शेल। इनऑर्गेनिकली फॉर्म्ड और बायोकेमिकली फॉर्म्ड, तो ये देखिए ये आपका मैकेनिकली फॉर्म्ड या फिर फ्रैगमेंटल रॉक्स है, क्या है, फॉर्म्ड व्हेन द फ्रैगमेंट्स आर डिपोजिटेड, कंपैक्टेड और सीमेंटेड। कौन कौन आता है, वो है आपका सैंडस्टोन, ये आपका शेल है, कॉन्ग्लोमरेट है और ब्रेशिया है। कॉन्ग्लोमरेट क्या है, राउंडेड पार्टिकल्स अगर रहेगा तो वो है आपका कॉन्ग्लोमरेट, और इधर एंगुलर पार्टिकल्स अगर रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेशिया बोलेंगे, ठीक है। वो है सैंडस्टोन, और स्लेट क्या, सेल क्या होता है, फाइन ग्रेन होता है, और सैंडस्टोन होता है द इंटरमीडिएट बिटवीन फाइन ग्रेन शेल और कोर्स ग्रेन कॉन्ग्लोमरेट, ठीक। अब क्या है, इनऑर्गेनिकली फॉर्म। इनऑर्गेनिकली फॉर्म में दो प्रकार के होते हैं, क्या होता है, एक है एवापोरेशन होके जो फॉर्म होते हैं, एवापोरेशन होके क्या फॉर्म होता है आपका, हलाइट फॉर्म होता है और जिप्सम, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन से कौन कौन बनता है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। जिप्सम है वो है हलाइट, ये है लाइमस्टोन और ये है डोलोमाइट। फिर आपका बायोकेमिकली ऑफ या फिर ऑर्गेनिकली फॉर्म। बायोकेमिकली ऑर्गेनिक, द फॉसिल्स आर ऑफन फाउंड इन सेडिमेंटरी रॉक्स। द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉट इन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट एंड लीव एन इम्प्रिंट इन द रॉक। आपके जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो कभी कभी रॉक्स में उनका पार्ट रह जाता है, तो उससे जो रॉक बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकली फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक। इनमें इनका एग्जाम्पल कौन है, वो है पिट और ये है लिग्नाइट। अब क्या आया, मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बना, इग्नियस रॉक और सेडिमेंटरी रॉक के ऊपर आपका अगर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ा तो उनमें कुछ चेंजेस होते हैं, उनका स्ट्रक्चर अल्टर होता है, तो उससे जो रॉक फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक। तो मेटामॉर्फिक यहाँ देख सकते हैं क्या है, द कंबाइंड एक्शन ऑफ केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स, इंटरनल हीट एंड प्रेशर ऑन द अर्थ अपसेट द फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द मिनरल असेंबलेज और प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। तो उससे क्या बनेगा आपका, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जैसे कि मेटामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फोसिस मतलब रूपांतर, ठीक। तो तीन प्रकार के होते हैं, क्या होता है, थर्मल मेटामॉर्फोसिस,
मॉर्फिज्म, हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म, डायनामोमेटामॉर्फिज्म। थर्मल मतलब ताप, हाइड्रो मतलब जल और डायनामो मतलब प्रेशर, ठीक है, ये याद रहेगा। तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म मतलब जिसके ऊपर टेम्परेचर के इफेक्ट से जो अल्टरेशन होगा, दैट इज थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो उसमें क्या क्या एग्जाम्पल है आपके, लाइमस्टोन टू क्रिस्टलाइन, लाइमस्टोन से जब मार्बल बनेगा, लाइमस्टोन है आपका सेडिमेंटरी रॉक, मार्बल है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। लाइमस्टोन से मार्बल कैसे बनता है, विथ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। फिर हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म मतलब इन द इफेक्ट ऑफ वाटर, तो सैंडस्टोन से आपका क्वार्ट्जाइट बनता है, सैंडस्टोन सेडिमेंटरी और क्वार्ट्जाइट आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक। फिर डायनामो मेटामॉर्फिज्म मतलब प्रेशर, तो डायनामो मेटामॉर्फिज्म का एग्जांपल क्या है, ग्रेनाइट से आपका नीस बनता है, ठीक है, और सेल से स्लेट। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स को भी तीन प्रकार में क्लासिफाई किया गया है। एक क्या है, फोलिएटेड, मतलब उसका लीफी लीफी स्ट्रक्चर होगा, फोलिएशन होगा, तो वो दैट इज फोलिएटेड।